आप सब आत्मीय भाइयों को मेरा प्रणाम। पहले एक बार हाल हम लोग हाथ ऊपर करिए थोड़ा सा सब लोग, और जब हम बोलेंगे तो आप ऐसे करके ऐसे मारिएगा, ठीक है, ताकि गर्मी अब आना चाहिए, थोड़ा ठंड ज्यादा असर पड़ रहा है। एक बार बोलिए भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। थोड़ी सी हम युवा हैं, मैं अभी एक अखंड ज्योति पढ़ रहा था 1982 का, 1982 का, परम पूज्य गुरुदेव उस समय शरीर रूप में थे उस समय का। मैं निवेदन करूंगा हर पुराने भाइयों को पढ़ने की 1982 का जनवरी माह का, उसमें परम पूज्य गुरुदेव ने युवा का जो परिभाषा दी है वो लिखे कि युवा मतलब जागृत, युवा मतलब जागृत, हर क्षण हर वक्त जो जागृत की अवस्था में है वो युवा है। मतलब हम हर क्षण अगर जागृत हैं, हर क्षण जो हमारे पास एक मौका आया है, अवसर आया है, उस अवसर को पकड़कर उस अवसर को सफलता में परिवर्तित कर देने का जो जागृति होनी चाहिए, जिनके अंदर वो जागृति होता है, उसको हम युवा कहते हैं। तो आप जितने सारे, हम जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबके अंदर वो जागृति आए। हम सबके अंदर अभी बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ अपने, उस कार्यक्रम के बाद एक जो सबसे बड़ी बात आती है वो यह आती है कि हम सबके अंदर आत्म जागृति आए। आत्म जागृति का मतलब है कि अपनी आत्म साधना आए। उसी अखंड ज्योति में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि हजारों लाखों वर्षों में, मैं उन्हीं की बातों को आपको बता रहा हूं, हजारों लाखों वर्षों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब ऐसे अवसर निकलकर लोगों के पास पहुंचते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस अवसर को जैसे तैसे समझकर व्यतीत कर देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके तक आवाज जाएगी लेकिन वो आवाजों को सुनकर भी अनसुना कर देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन तक आवाज पहुंचेगा ही नहीं, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर आवाज जाएगी, उनके अंदर जागृति होगी, वो उस आवाज को सुनेंगे, अपने अंदर की आत्मबल को, मनोबल को, आत्मशक्ति को जगाकर उस आवाजों को सुनकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो मित्र माफ करना, हम सब जिस समय में बैठे हैं वो समय साधारण नहीं है, वो समय साधारण नहीं है। आप देख लें, आप एक एग्जाम पर देखें, थोड़ी सी हम सब भाइयों का पुरुषार्थ का एक फल था कि इतना शानदार कार्यक्रम हो गया, इतने सारे युवा लोग तो हमारे बीच आए। अब उन युवाओं को एक सही मार्गदर्शन के लिए, उनको एक आदर्श दिखाने के लिए हम जितने सारे लोग बैठे हैं, उन सबको खड़ा होकर अपनी अपनी जीवन साधना का, अपने अपने जीवन देवता की साधना आराधना कर उन सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा कि युवा प्रकोष्ठ। आप एक बात सुने होंगे, जो लोग शनिवार के इस कार्यक्रम में थे, चिन्मय भैया के कार्यक्रम में थे, उसमें उन्होंने एक बात कहे थे। आप सुने होंगे कि परम पूज्य गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति पहुंचते हैं तो उन्होंने गायत्री परिवार का जो परिभाषा दिए थे, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने कहा था गायत्री परिवार अपने आप को बनाने का परिवार है। उन्होंने कहा था इस बात को, गायत्री परिवार अपने आप का निर्माण करने का परिवार है। मतलब अगर हम, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने पहला जो नारा दिए वो यही दिए, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जो दुनिया के अंदर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, परिवर्तन देखना चाहते हैं कि हमारे इन भाई के अंदर ये परिवर्तन आए, उनके अंदर ये परिवर्तन आए, तो सर्वप्रथम वो परिवर्तन अपने अंदर लानी होगी। और फिर दूसरी, उन्होंने कहा था वहां से मुक्ताकाश मंच से, याद होगी आप लोगों को, कि जो गायत्री परिवार है, प्रभु गुरुदेव के पास किसी ने पहुंचा और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप जो अपने इस मिशन का एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालते हैं, तो उन्होंने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट हमारा नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा हर बच्चा होता है जो अपने जीवन के आदर्श के मूल्यों से एडवर्टाइजमेंट करता है। देखिए, इन बातों पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि क्या हमारा जीवन ऐसे विज्ञापन भरे, ऐसे आदर्श भरे बन रहा है क्या, ऐसे आदर्श और व्यक्तित्व के साथ बन रहा है क्या, और ऐसे आदर्श और व्यक्तित्व को जो गढ़ने की जो
टकसाल है, जो पाठशाला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं इस बिहार की धरती पर कि जिस दिन इस युवा प्रकोष्ठ का नींव रखाया होगा वो दिन सौभाग्य था हम सब बिहार के युवाओं के लिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पर हजारों लाखों युवा आकर अपने जीवन को सुधारने के लिए बैठे पड़े हैं और उनको बताया जा रहा है। ये सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि ऐसा एक जगह, एक ऐसे पाठशाला, एक ऐसे जिम खाना जहां पर युवाओं को सही मार्गदर्शन किया जाता है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़े। मित्रों माफ करना, अगर इन सब चीजों पर देखें तो सबसे मूल बिंदु जो आता है, सबसे मूल बिंदु जो आता है वो मूल बिंदु पर प्रभु गुरुदेव कहते हैं कि हम सब की साधना, हम सब की साधना सबसे महत्वपूर्ण है। उसी मुक्ताकाश के मंच से मैं आपको भैया की हर एक बातों को रिवाइज कर रहा हूँ, इसी मुक्ताकाश मंच के कार्यक्रम से आदरणीय भैया के द्वारा ये बताया गया था, आदरणीय चिन्मय भैया के द्वारा, कि हम अपने मोबाइलों में टेक्नोलॉजी में इतने व्यस्त हैं कि हमें अपने लिए भी समय नहीं निकालने को मिल रहा है। और उसी को पेपर ने एक हेडिंग भी बनाया था कोई पेपर कि युवा अपने लिए एक घंटा तो जरूर निकाले, बनाया होगा आप अगर पढ़े होंगे पेपर में तो बनाया गया, एक घंटे की समय तो जरूर निकाले। हम कहते हैं एक घंटे की बात हटा दें, आप अपने लिए कम से कम संकल्प पूर्वक संकल्पित होकर कम से कम क्या 30 मिनट का समय निकालकर ध्यान के लिए बैठते हैं क्या, साधना के लिए बैठते हैं क्या?